हिंदू धर्म में कई ऐसे तिथि त्यौहार हैं जिनको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का उपवास बना रहता है। अक्षय तिथि पर सोना चांदी खरीदे जाते हैं, ऐसा क्यों? आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं विस्तार से। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई शुक्रवार की आ रही है। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव और एक शुभ कार्य का ऐसा अभूज मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य बिना सोचे समझे किया जा सकता है। अक्षय तृतीया ऐसा, जैसा कि अक्षय नाम संस्कृत में है, अक्षय यानी अखंड, क्षय नहीं होने वाला, ऐसा दिन जिस दिन कोई भी कार्य कर दें तो वो कभी क्षय नहीं होता है। वह ऐसा मुहूर्त होता है जो कि सब में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो अक्षय तृतीया का माना जाता है। इसमें सोना चांदी जमीन जायदाद ऐसा जो भी आप खरीदना चाहें, वाहन आदि, यह सारे शुभ कर्म या शुभ खरीदी आप कर सकते हैं। और इसमें चावल और गेहूं का विशेष रूप से खरीदारी करते हैं कि जिससे कि अन्नपूर्णा के भंडार भर जाते हैं। लेकिन इस दिन लोहा और प्लास्टिक से संबंधित जो वस्तुएं रहती है उससे बचना चाहिए, वो खरीदने से बचना चाहिए। वस्त्राभूषण खरीदना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शुभता, प्रभुता, अखंडता और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जय।